हेलो फ्रेंड्स, सीमा योगा स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम डायबिटिक पेशेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं। डायबिटिक पेशेंट के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रही है, तो कृपया आप ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। फ्रेंड, डायबिटीज़ क्या होता है, डायबिटीज़ क्यों होता है, और डायबिटीज़ अगर हो गया है तो उसको बचाव के लिए हमें क्या क्या करने चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करें जिससे हम डायबिटीज़ को कंट्रोल में कर सकें, हमें क्या खाना चाहिए, कौन से फल खाने चाहिए, कौन सी दालें खानी चाहिए, या क्या चीज़ खा के हम अपने डायबिटीज़ को बैलेंस कर सकते हैं, तो इन सभी विषय में चर्चा करेंगे। वैसे तो डायबिटीज़ के लिए बेस्ट एक्सरसाइज कौन कौन सी हैं इसकी वीडियो मैं पहले ही बना चुकी हूँ, बट मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने बोला, मैम डायबिटीज़ में कौन से योगासन करने चाहिए, ये तो आपने बता दिया, पर आप ये भी बताइए कि हमें अगर डायबिटीज़ हो जाता है, शुगर हो जाता है, तो हमें उसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो आज उसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड, ध्यान से सुनिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए जानते हैं पहले डायबिटीज होता क्या है। जब शरीर के पैनक्रियाज में इंसुलिन की कमी हो जाती है, यानी कि कम मात्रा में इंसुलिन पहुंचता है, तो खून में जो है ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, मात्रा ज़्यादा हो जाती है, इसी को हम डायबिटीज कहते हैं। अब आप कैसे पहचाने कि आपको डायबिटीज हो गया है, तो डायबिटीज के कुछ लक्षण होते हैं जिनको अगर जो आपकी बॉडी में अगर वो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, अगर आप उन लक्षणों को महसूस कर पा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपको शायद डायबिटीज हो गया है या डायबिटीज होने की संभावना है। नंबर एक है फ्रेंड, आपको बहुत अधिक प्यास लगेगी। गर्मियों में तो सबको प्यास लगती है, गला सूखता है, लेकिन आपको सर्दियों में भी बहुत ज्यादा प्यास लगेगी। आपको रात रात भर उठ के पानी पीने का मन करेगा, आपको रात में यूरिन ज्यादा आएगा, आपको कई बार 5 से 6 बार रात में आप उठ के यूरिन जाएंगे, और आपको अधिक भूख लगेगी और आपका वजन कम होता रहेगा। आपको भूख तो अधिक लगेगी, लेकिन आपका वजन धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो ये कुछ डायबिटीज के लक्षण हैं जो हम आसानी से पहचान सकते हैं। प्यास का अधिक लगना, बार बार पेशाब आना, अधिक भूख लगना, और उसके बाद भी वजन का कम होना, तो ये डायबिटीज के शुरुआती लक्षण हैं। अगर ये लक्षण आप लोगों में दिखाई दे रहे हैं, तो जाके अपना डायबिटिक टेस्ट कराइए। उस टेस्ट में आप पता चल जाएगा कि आपको डायबिटीज है या नहीं है। फिर अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए, डॉक्टर कुछ मेडिसिन दे के इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर ये कंट्रोल हो जाए तो इसको आजीवन रोकने के लिए, बढ़ने से बचाने के लिए, आप कुछ घरेलू नुस्खों द्वारा, योगासन द्वारा और कुछ चीज़ों पर नियंत्रण करके आप डायबिटीज से बचे रह सकते हैं, डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, जानते हैं कि डायबिटीज से बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर आपकी डायबिटीज बढ़ गई है या आपको पता लग गया है कि आपको डायबिटीज हो गया है, तो आप सबसे पहले एक्टिव रहना सीखिए, नियमित व्यायाम करें, हमेशा आप सुबह शाम टहले, डेली आप नियम बना लीजिए। नहीं आपके पास सुबह टाइम है तो इवनिंग में, इवनिंग में नहीं टाइम है तो मॉर्निंग में, आपके लिए वॉकिंग जरूरी है। डेली सुबह शाम आप वॉकिंग कीजिए, अगर नहीं है तो आप अच्छे से कम आधा घंटा नियमित आप व्यायाम कीजिए। एक्टिव रहना, डायबिटीज पेशेंट को एक्टिव रहना बहुत जरूरी है, चाहे वो मॉर्निंग इवनिंग वॉक के द्वारा हो या नियमित एक्सरसाइज के द्वारा हो, कुछ भी आपके लिए करना बहुत जरूरी है। नंबर दो फ्रेंड्स, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना है। पानी तो हर किसी को बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, पानी पीने से बहुत फायदे हैं, नुकसान बिल्कुल भी नहीं है, तो पानी का सेवन अधिक से अधिक करें। 3 से 4 लीटर आप नियमित पानी पिएं, तो पानी की मात्रा बढ़ा दें, अपने वजन पर कंट्रोल रखें। जो लोग मोटे हैं तो उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि अपने वजन पर कंट्रोल रखें। फाइबर और प्रोटीन वाली चीज़ों का प्रयोग अपनी डेली रूटीन में, डेली डाइट में शामिल करें। ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर खाएं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ें, अगर जो डायबिटिक पेशेंट है उनको ये खाना चाहिए। विटामिन डी की कमी नहीं होने देनी है आपको अपनी बॉडी में। जो डायबिटिक पेशेंट है उनको ये भी ध्यान रखना है कि उनकी बॉडी में विटामिन डी पूरा हो। डायबिटिक पेशेंट को कौन कौन से फ्रूट खाने चाहिए, जो कि मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा है, मैम डायबिटिक पेशेंट के लिए कौन कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए, तो चलिए उनके बारे में जानते हैं। आपको पहले ये सुन लीजिए कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं ना, इनको फ्रूट भी बहुत लिमिट मात्रा में और बहुत सोच समझ के खाने चाहिए। ये नहीं कि बहुत सारे फ्रूट्स एक ही बार में काट लिया और उसको खा लिया, नहीं फ्रेंड्स। और ना ही आपको डायबिटिक पेशेंट को जूस बना के पीना है, आपको सीधा फ्रूट्स खाने हैं। आपको एक बार में एक ही फ्रूट्स खाना है, जैसे एप्पल खाते हैं तो आपको एक एप्पल एक बार में एक ही एप्पल खाना है,
उससे ज्यादा नहीं। और कौन कौन से फ्रूट्स जो है डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही हेल्दी हैं, बहुत ही अच्छे साबित होते हैं, तो नंबर एक फ्रेंड कीवी। कीवी जो है आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा फ्रूट है। नंबर दो पपीता, ऑरेंज आप खा सकते हैं, अमरूद खा सकते हैं, नाशपाती और जामुन। नाशपाती और जामुन दो फ्रूट्स और कीवी, तीन फ्रूट्स तो डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छे हैं। कीवी, अमरूद और नाशपाती, जामुन, ये फ्रूट्स तो डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छे हैं। तो इनको आप डेली खाइए। आप दिन में एक पपीता काट के खा सकते हैं, ऑरेंज खा सकते हैं, अमरूद खा सकते हैं, नाशपाती और जामुन, ये तो बहुत ही अच्छा है। जामुन से तो कहते हैं डायबिटिक पेशेंट वालों का डायबिटीज बहुत अच्छा कंट्रोल रहता है, तो ये फ्रूट्स आपको खाने ही खाने हैं। फ्रेंड्स अब ध्यान से सुनिएगा कि कौन कौन से फल जो हैं डायबिटिक पेशेंट को बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। नंबर एक केला, नंबर दो आम, नंबर तीन अंगूर, नंबर चार पाइनएप्पल। ये कुछ फ्रूट्स हैं जो डायबिटिक पेशेंट को बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। और आपने पूछा था कौन कौन सी दाल खा सकते हैं फ्रेंड, तो डायबिटिक पेशेंट वाले सारी दाल खा सकते हैं। दाल उनके लिए बेहद ही फायदेमंद होती है। तो और कौन कौन सी बेस्ट दाल है वो भी बता देती हूँ, क्योंकि हर एक दाल में प्रोटीन फाइबर रिच मात्रा में पाया जाता है। तो आप दाल तो सारी खा सकते हैं, पर कौन कौन सी दाल जो बहुत अच्छी होती है, जैसे मूंग दाल, लोबिया, राजमा, मसूर की दाल, काले चने, ये सब जो है आपको प्रोटीन फाइबर और फॉलिक एसिड से भरपूर मात्रा में है। तो ये सब खाएंगे, अगर ये सब अगर शुगर पेशेंट खाते हैं तो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, मूंग दाल, लोबिया, राजमा, मसूर की दाल, काले चने और चना दाल, ये सब आपके लिए बहुत ही बेस्ट दाल है, क्योंकि इनमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन फाइबर और फॉलिक एसिड पाया जाता है, जो शुगर पेशेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो इन सब दालों को आप हफ्ते में 2 से 3 बार बना के खा सकते हैं फ्रेंड। और लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोबिया, राजमा, काले चने अगर ये बनाते हैं तो इनको गला के खाइएगा, इनको पूरी रात भीगने के लिए छोड़ दीजिए। जब ये पूरी रात भीग जाए तो सुबह इनको उबाल लीजिए, उसके बाद आप इसको इसकी दाल बना के इसको छोंक के खा सकते हैं। तो लोबिया, राजमा और काले चने जितने ज़्यादा सॉफ्ट बनाएंगे आप, जितने ज़्यादा नरम होंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। और फ्रेंड्स एक बात जो सबसे लास्ट में है, आपको व्यायाम अवश्य करना है, आपको योगाभ्यास जरूर करना है, चाहे आप 30 मिनट करें चाहे आप 1 घंटा करें, पर आपको नियमित योगा करनी है। और शुगर के लिए, डायबिटीज़ के लिए कौन सी योगा सबसे बेस्ट है उसकी वीडियो मैंने बना रखी है, तो आप मेरे चैनल पर जाके बेस्ट शुगर की वीडियोस देख सकते हैं। आशा करती हूँ ये जानकारी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, आप लोगों ने कहा था जिस वजह से मुझे ये वीडियो बनाई मैंने, तो आशा करती हूँ आप इसे देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे और इसको अपने जीवन में फॉलो करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ।